सर मैं आपको पहले तो ये कहना चाहूंगा, पहले तो जितने यहाँ आए हैं सबको मेरा प्रणाम और खास करके मीडिया को प्रणाम, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वाकई में बहुत बड़ी म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। राजीव जी के लिए मैं यही कहूंगा कि राजीव जी जी इस परिवार से आते हैं, वो हमारा एक परिवार है, और परिवार के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा इतने गुणी कलाकार हैं, दिखने में ये बिल्कुल मॉडर्न है और क्लासिकल के अपने आप में पायेदार है और लाइट के भी उतने पायेदार है, और फिर हमारे दीदी का तो कहना है क्या, इन्होंने तो वैसे ही झंडे गाड़े और हमारी मीडिया जो इतना प्यारा लिखा है, जब खुद दिग्गजों ने इनको एक्सेप्ट किया है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ही गाने हुए होंगे और अच्छा लिखा होगा इन्होंने, और इतने सारे आप लोग आगे इतने बड़े बड़े महान अतिथि गण आ गए तो एल्बम अपने आप में सुपर हिट थी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे सर ने कहा कि बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन होने वाली ऑडियंस की, चीज में अलग लाइनों में बोलता हूँ, आदरणीय शोभा जी ने आमंत्रित किया और उनकी आवाज़ जुड़ी हुई है राजीव जी और उनकी आवाज़ है, तो जाहिर है गाना सुनने से पहले कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा गाना बना होगा, उनकी तरह लिखा भी ऑडियंस भी किया है, मैं यही कहूँगा आज के दिनों की इस वातावरण में एक इनॉग्रेशन हो रही है, लॉन्चिंग हो रही है, बहुत बड़ी बात है, हम कलाकार होंगे, मैं पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ये गाना सुपर ओवर हिट। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में इतना बड़ा गाना लॉन्च हुआ और इतनी बड़ी मीडिया आई है, तो मैं उनके लिए पहले तो मीडिया के लिए सबके लिए तालियां बजाऊंगा। अच्छा दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता, मैं यहाँ बैठा हूँ, माइक सारे वहाँ हैं, और एक चीज जानना चाहूंगा, अभी जो है रीमेक का जमाना चल रहा है उसके अंदर इस तरह का ओरिजिनल गाना लोगों के बीच में आना कितनी बड़ी बात मानते हैं, सिस्को और टी सीरीज जिस तरह का अच्छी कही आपने, रीमेक के बीच ओरिजिनल आ रहा है, क्या दिन आ गया, एक जो जूरी था वहाँ रिमिक्स का अवार्ड उन्होंने नया शुरू किया और मेरे हाथों दिया, लेकिन रिमिक्स बुरी बात नहीं, कुछ गानों के लिए अच्छा लगता है, कुछ ऐसे है ना जो बहुत प्योर गाने हैं उनको टच नहीं करते, सत्यानाश मत करो, सत्यानाश मत करो, तो लेकिन देखो ये ना ये बहस है ना बहुत लंबी है, हमारी एक एज के लोग कहेंगे कि गलत है, अब यंग जनरेशन को बोलेंगे तो वो अच्छा करेंगे, तो इसमें मुझे लगता है जो चलता है चलता है। नहीं नहीं मैं मगर आपकी बात को काटना चाहूँगा, बीच में बोलना चाहूँगा भाई, अब मेरे गाने को रिमिक्स कर रहे और मैं घर में बैठा और कोई दूसरा आदमी रिमिक्स कर रहा है कैसे चलेगा। मैं एक अवार्ड फंक्शन में बैठा था, मेरे साथ आनंद जी भाई बैठे थे, सीनियर आनंद जी भाई, और उनके गाने को एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड लेके गया, उनका नाम भी नहीं लिया, वेरी गुड रिमिक्स का अवार्ड ले गया आनंद जी भाई के गाने, तो ये सुरेश भाई ऐसा करते हैं कि जिस मौजूद है जिस उसकी बात चाहेंगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला और उसका श्रेय एक बहाना बनता है, वो बहाना बहुत ही खूबसूरत बहाना है कि आज शोमा जी के द्वारा गाया हुआ गीत और लिखा हुआ राजीव महावीर वो संगीतकार है, तो इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और खुशी की बात तो ये है कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुरेश जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे साथ बहुत खूबसूरत सिंगर भी बैठे हुए हैं, सभी इस बात की सहमति देंगे और कहेंगे कि इट इज़ ऑलवेज गुड वंस एन ओरिजिनल सॉन्ग कम्स इन द मार्केट। मैं समझता हूँ कि शोमा जी के इस चीज के लिए हमें अपनी तरफ से एक बार एंड आई स्ट्रॉन्गली फील, एक अगर हम मुद्दे की बात करते हैं